प्रदेश की भाजपा सरकार कोरोना काल में झूठी वाहवाही पाने के लिए कार्य कर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर ने चंबा में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश में इन दिनों हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया गया है, लेकिन जिला में इसका 3 बार उद्घाटन करना सरकार की नीयत को साबित करता है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने सिर्फ अपने फैसलों को पलटने और लोगों को उलझाने का ही कार्य किया है। ये बात चंबा जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नियत साफ नहीं है। एक दिन में कुछ निर्णय लिया जाता है और दूसरे दिन कुछ अलग, जिस वजह से सिर्फ लोग उलझ रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि हिमाचल में कोरोना की बढ़ोतरी 15% की दर से हो रही है। उन्होंने कहा कि हिम सुरक्षा अभियान का जिला में 3 बार उद्घाटन करना ये साबित करता है कि सरकार सिर्फ कोरोना काल में वाहवाही पाने के लिए ही कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मौके पर सरकार की कोई भी तैयारियां नजर नहीं आती हैं। डायरेक्शन में सरकार काम कर रही है, उसमें कोई तालमेल नहीं है। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हमारे इनके जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, वो बिलासपुर आए और वहाँ भी बहुत जो लोग हैं वो इकट्ठे किए गए। तकरीबन जो हमें पता लगा है 3-4 हज़ार लोग जो हैं एकत्रित हुए वहाँ। तो इस टाइम पर ऐसा करना जो है, मैं सोचता हूँ सबसे पहले तो जो पार्टियाँ रूलिंग के अंदर होती हैं, दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल। पहले वो अपने आप बंदिशें लगाएं, फिर वो लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि लोग भी जो उनकी जो वो लोगों से आशा करते हैं, लोग उन पर मतलब अमल करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की जो नीति है और जो नियत है वो बिल्कुल साफ नहीं है। और जहां प्रोग्राम्स करने की बात है, अब क्योंकि एकदम 15% की दर से यहाँ बढ़ने लगा है, तो सरकार में एकदम हड़कंप जैसा मच गया है। अभी तकरीबन पिछले कल जो है यहाँ हमारे जो उद्योग मंत्री हैं और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं विक्रम जी, मुझे पता लगा कि वो चंबा आए और उनको, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट का कोरोना से रिलेटेड चीज़ों का इंचार्ज यहाँ बनाया गया है। और एक जो हिम सुरक्षा अभियान जो आजकल सरकार ने, भाजपा सरकार ने चलाया है, उसका ये मेरे ख्याल 3री बार उद्घाटन कर गए हैं। पहले 25 तारीख को जयराम ठाकुर जी ने किया था, उसके बाद चंबा के विधायक जी ने किया, और अब मुझे लग रहा है कि पिछले कल दोबारा इसी अभियान का उद्घाटन मंत्री जी दोबारा करके गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है कोरोना के बारे में जो इनकी नीति जो है और कन्फ्यूज़ है, सरकार एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। हालाँकि कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं की है, लेकिन कल क्योंकि हमारे सूत्रों से हमें पता लगा कि जो हमारे CMO साहब हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बारे में काफ़ी चीज़ें मंत्री जी के सामने रखी कि यहाँ एम्बुलेंसेस की कमी है। उन्होंने बोला हमें कम से कम 3 या 4 एम्बुलेंसेज और चाहिए, हमारे पास 1 एम्बुलेंस है, और अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो एम्बुलेंस जो है पहले पेशेंट को छोड़ के आएगी और 12 घंटे बाद जो है पेशेंट को रुकना पड़ता है। तो सरकार को तकरीबन कोरोना को आए हुए तकरीबन 10 महीने से ऊपर हो गए हैं और सरकार ने लॉकडाउन रखा ताकि सरकार जो है इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी तैयारी जो है मौके पर जो है नजर आ नहीं रही है। वहीं इस मौके पर उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर भी प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।